हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज आप लोगों के लिए एक बेस्ट एंड बेस्ट वेट लॉस का ड्रिंक लेके आई हूं। और ये वेट लॉस नहीं करेगा, ये फैट लॉस करेगा। आपने देखो होगा कुछ लोगों के साथ बैक का फैट बहुत ज्यादा होता है, जिन्हें मैंने किया था और इस ड्रिंक को लिया था, मेरा ब्रा फैट जो है बिल्कुल चला गया है। और अच्छा लगता है जब आप ब्लाउज पहनते हो, टी शर्ट्स पहनते हो, साड़ी पहनते हो, काफ़ी अच्छा सा एक लुक आता है पीछे से। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने जो एक न्यू चैनल लॉन्च किया है उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे न्यू चैनल पर आप पहुँच जाएंगे, तो उसको भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चले चलते हैं वीडियो की तरफ। नहीं होगा उनका बैली फैट इतना नहीं होगा, उनको जो है हिप्स फैट इतना नहीं होगा, लेकिन जो बैक का फैट है यानी कि जिसे हम ब्रा फैट बोलते हैं वो होता है। और गर्ल्स में ये ब्रा फैट देखने में काफी बुरा लगता है, क्योंकि जब हम लेडीज ब्रा पहनते हैं और उसके बाद ऊपर जो चर्बी दिखाई देती है और ब्रा अंदर से दी जाती है, वो डिसकम्फर्ट भी होती है, देखने में अच्छी भी नहीं लगती है। और जब आप सूट पहनते हो, टी शर्ट्स पहनते हो, तो वो कपड़े का जो भी साइज है वो आपको देखने में नहीं अच्छा लगता है, प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं। तो आज पर्टिकुलर उस चीज के लिए मैं एक ड्रिंक लेके आई हूँ कि किस तरह से आपका ब्रा का फैट जो है वो जाएगा। साथ ही साथ एक दो दिन में मैं आप लोगों के लिए ब्रा फैट की एक्सरसाइज भी लेके आऊंगी कि मैं पर्सनली उस चीज को रिड्यूस करने के लिए मैंने कौन सी एक्सरसाइज की थी। मुश्किल से दो एक के लिए आपको दो कप पानी जो है वो चढ़ा देना है गैस पे। उसके बाद आपको हाफ टेबल स्पून यहाँ पे दालचीनी डालनी है इसमें। इसके बाद आपको 4 to 5 काली मिर्च को घर में ही कूट लेना है। मैं थोड़ा सा पाउडर फॉर्म कम प्रेफर करती हूँ। आप अगर दालचीनी पाउडर आपको पाउडर फॉर्म में ना मिले तो आप जो स्टिक वाली है वो फ्री होकर डाल सकते हैं। उसके बाद एक लेमन मैंने ऐसे पूरा कट कर लिया है स्किन सहित आपको इसमें डाल देना है, मीन्स अलग से आपको नहीं करना है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट इन्ग्रीडियंट है वो है अलसी। और इसको आपको रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो मार्केट से लाते हैं वही आपको लेना है 1 टेबल स्पून, और इसे डाल देना है। 2 कप पानी को आपको 1 कप करना है, यानी कि आपको इसे 4 to 5 मिनट ऐसे ही गर्म करना है, लेकिन लो फ्लेम पे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लो फ्लेम पे इसे पकाना है। और साथ ही साथ आपको इसको इसे फ्रेश बनाना है और फ्रेश पीना है। ऐसा नहीं है कि आपने बना के स्टोर कर लिया, नहीं, इसमें अलसी है जो आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि फ्रेश बनाइए और फ्रेश पीजिए। तो मैं इसे 4 to 5 मिनट ऐसे ही पकने दूंगी लो फ्लेम पे, देन उसके बाद मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। 4 to 5 मिनट हमारी जो टी है वो बनके रेडी है, यानी कि जो अलसी है उसने भी जल फॉर्म रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, हमारे लेमन ने भी सारा रस छोड़ दिया है, स्किन का भी सारा रस आ गया है। तो अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। तो मैंने 2 इसमें कप पानी चढ़ाया था और 1 कप होने के बाद, और ये लगभग जो आइडिया है वो 5 मिनट का है। तो ये जो टी हमारी बनके रेडी है ये हमारे बैक फैट को बहुत तेज़ी से मेल्ट करेगा, जिसे हम ब्रा फैट भी बोलते हैं। जब आप ब्रा पहनते हो तो जो है फैट वहाँ से निकलने लगता है, तो ये वहाँ के फैट को बहुत तेज़ी से मेल्ट करेगा, बिकॉज ये मेटाबॉलिक बूस्टर है। आप चाहें तो अगर आपको अदरक सूट करती है तो वो इसमें मिला सकते हैं, आप हनी इसमें मिला सकते हैं इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा, लेकिन हाँ 1 मंथ तक ट्राई करिएगा, उसके बीच में इसे छोड़िएगा नहीं। और डाइट भी साथ में जो है काफ़ी हेल्दी रखिएगा, तो बैक फैट बहुत तेज़ी से जाएगा। साथ ही साथ मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बैक फैट की एक्सरसाइज बताऊंगी कि मैंने जो है बैक फैट ब्रा फैट कैसे रिड्यूस किया है, तो उसकी एक्सरसाइज का वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत आसान है, इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, अगर आपकी बॉडी गर्म है तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दीजिए, लेकिन इसको लीजिए जरूर और देखिए मैजिक की ब्रा फैट, इवन आपका ये जो हैंड का फैट है ये भी बहुत अच्छे से जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन काफी तेज होगा। मैं फिर
अगर आपकी बॉडी गर्म है तो क्वांटिटी कम कर दीजिए, लेकिन आप इसे लीजिए। अलसी भी आपके स्किन को ग्लो करने में बहुत हेल्प करेगा और जो फैट है वो तो रिड्यूस हो गई होगा। मे बी आपको ये जो है जब आप वेइंग मशीन में खड़े हों तो आपको वेट लॉस कम ना होता हुआ दिखाई दे, लेकिन आपको फैट जरूर कम होता हुआ दिखाई देगा और आपका जो ब्रा का साइज है वो भी कम होगा। अगर ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।